मॉर्निंग क्या निकल के आया है <laughs> आप फाइनली कैसे देखा जाए क्योंकि आज शुरुआत तो क्या कहें ठीक हुई है ठीक शुरुआत है कोई ऐसे खराब संकेत नहीं आए हैं कोई ऐसा ट्रिगर भी नहीं है जिसकी वजह से या तो मूड बेहतर हो या खराब हो बट मंथ एंड है बाजार ने सोचा कि चलो थोड़ा एक हल्का रिबाउंड कर लेते हैं या मंथ की एंडिंग थोड़े अच्छे नोट पर कर लेते हैं और वही आपने होते हुए देखा तो आज सुबह अगर आप देखेंगे एसजीएस निफ्टी एकदम फ्लैट है बट एटलीस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में तो आपको दिख रहा है एशिया के बाजारों में भी ठीक ठाक माहौल है जापान में हमने देखा उनकी रिटेल सेल्स काफी मजबूत आई है सिक्स का जंप देखा है उससे थोड़ा सहारा मिल रहा है हालांकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आठ महीने के में सबसे कमजोर है तो अगेन थोड़े मिले डेटा आ रहे हैं, बट थोड़ा मूड माहौल बाजार का आपको हल्का सा सुधरते हुए दिख रहा है कल शाम अमेरिकी बाजारों में भी हमने अच्छा एक्शन देखा जब हमारे बाजार भी बंद हो रहे थे तो लगभग 70 80 पॉइंट ही ऊपर आपको डाउ दिख रहा था तो उसी मुताबिक क्लोजिंग हुई बट थ्रू द डे भारी उतार-चढ़ाव आपको आते हुए दिखाई इनफैक्ट एक पॉइंट पर तो डाउ पौने 300 अंक ऊपर भी था बट उसके बाद हमने देखा कि बाजार 300 सौ अंक ऊंचाई से फिसल कर बंद हुए हैं और नैज में भी अच्छी तेजी रही 0.6 परसेंट की बढ़त है बट ऊंचाई से फिसल कर ही बंद हुए तो रिबाउंड आया बट हल्का रिबाउंड आया ऊपर ऊपरी स्तरों पर उतना कन्विक्शन अभी भी आपको नहीं दिख रहा है और वहां से फिर हल्की फुल्की गिरावट भी आपको दिखी बट ओवरऑल एक हल्का रिबाउंड जरूर आपने अमेरिकी बाजारों में देखा है थोड़ा बॉन्ड बॉन्डील्स फिसले हैं जिसकी वजह से राहत मिली है जो दो साल की बॉन्ड डील है जो 16 साल की ऊंचाई पर वापस आती हुई देखी थी 4.8 परसेंट के ऊपर वो हल्की सी नीचे आई है 4.8 परसेंट से थोड़ा नीचे आई है तो उससे थोड़ी राहत आपको मिली है 10 साल की बाउंड्री अभी भी 3.9 परसेंट के ऊपर ही है पर थोड़ा स्टेबल होते हुए दिखे हैं बाजार कोर्स रेट्स बढ़ने का डर अभी भी बना हुआ है पर एक तरह से बाजार अब ये नई रेट दरों पर एडजस्ट होने की कोशिश आपको कल पहली बार करते हुए दिखे हैं नाजराक 0.6 परसेंट ऊपर था दिग्गज आईटी शेयर से आपको सहारा मिला मेटा छोड़ के बाकी सारे दिग्गज आईटी शेयर्स में आपने खरीदारी देखी है तो वो बाजार का फैक्टर पॉजिटिव था टेस्ला के शेयर में हमने करीब साढ़े पांच परसेंट का उछाल देखा है तो वहां से भी थोड़ा मूड माहौल आपको अच्छा होते हुए दिखा है तो ओवरऑल ठीक ठाक दिन था थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर ज्यादा आपने अमेरिकी बाजारों में देखा इंडेक्स पर हल्की बढ़त रही है आज की अगर आप बात करेंगे तो दिग्गज रिटेलर टारगेट के नंबर्स आने वाले हैं इस पर बाजार की नजर रहेगी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा का फाइनल प्रिंट आने वाला है वहां पर रहेगी नजर होम प्राइस इंडेक्स का भी डेटा आने वाला है तो कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेंगे यूरोप में कल अच्छा एक्शन रहा जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो एक परसेंट ऊपर थे यूरोप के बाजार एक से डेढ़ परसेंट की तेजी लेकर यूरोप कल बंद होते हुए दिखाए तो वहां पर पॉजिटिविटी जो थी वो बनी हुई है फिलहाल के लिए आ, बाकी फैक्टर्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 105 से थोड़ा नीचे आया है जिसकी वजह से हमने देखा है एक तो बाजार का मूड भी सुधरा है दूसरा कमोडिटीज को भी हल्का सा सहारा मिला है हालांकि कच्चे तेल को कोई सहारा नहीं मिला है एक परसेंट फिसला है ब्रेंट अगर आप आज सुबह देखेंगे तो एटी टू के आसपास ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस में बड़ा उछाल था कल सात से ज्यादा की तेजी आपने नेचुरल गैस में आती हुई देखी है अब दो तीन चीजें हैं यहां पर एक तो रूस अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स कम करने की कोशिश कर रहा है तो वहां से गैस की भी टेंशन बन रही है दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यूएस में वापस विंटर स्टॉम्स आ रहे हैं तो वापस ठंड बढ़ रही है जिसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि गैस की कीमतें या गैस की डिमांड और बढ़ेगी तो एक रिबाउंड जो नेचुरल गैस में पिछले कुछ दिनों का दिख रहा था वो अभी भी बरकरार है जहां तक उस एक्शन का सवाल है सोने में भी हल्का फुल्का रिबाउंड आपने देखा है अट्ठारह डॉलर के करीब आ रहा है हालांकि चांदी अभी भी आपको चार महीने के निचले पर दिख रही है बेस मेटल्स पर रखेगा नजर कल जबरदस्त रिबाउंड यहां पर दो तो तो है दो से साढ़े तीन परसेंट तक की गिरावट बढ़ रही थी तो वहां से कल हल्का रिबाउंड आया अब देखते हैं कि आज ये रिबाउंड सस्टेन कर पाता है या नहीं वो बड़ा सवाल वही रहेगा और हमारे मार्केट इवेंचुअली फिर वो कैसे रिएक्ट करते हुए नजर आते ये देखने वाली बात होगी शुक्रिया पूरी डिटेल दर्शकों के